हेलो स्टूडेंट्स आप सभी की डिमांड पर एक और सेट पेपर का सॉल्यूशन आ गया है ये जो सेट पेपर है अपना एक मिनट ये वाला जो सेट पेपर है अपना ये है सेट ए ओके okay? इसके अंदर हम समझेंगे सेट ए के सॉल्यूशंस अब देखिए सबसे फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लास के बाद आपको इसका पी मिल जाएगा लेकिन पी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको पासवर्ड पता लग जाए जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक नंबर स्क्रॉल डाउन हो रहा है उस पर आप अपना नेम और सिटी भेजें जो भी नए बच्चे हैं ताकि मैं उनको ग्रुप में वेट कर लूँ उन तक पी भी पहुँच पाए द स्टेटमेंट वाई वी वर चूजन टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री इज़ रिलेटेड टू ऐसा स्टेटमेंट जो कि वेट अ मिनट ओके सॉरी फॉर इट कंटिन्यू द स्टेटमेंट वाई वी वर चूजन टू सेक्रीफाइस फॉर अवर कंट्री ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर हम चूज करते हैं हमारे देश कंट्री के लिए ये किसने कहा था या फिर किस चीज के लिए ये स्टेटमेंट था तो ये जो स्टेटमेंट था ये था डेम डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब डेम को एक जगह से हटाने के लिए ये था आपका चूज रेट ऑप्शन का फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस ऑफ वियना कांग्रेस ऑफ वियना में किसने पार्टिसिपेट नहीं करा था तो कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर स्विट्जरलैंड ने पार्टिसिपेट नहीं करा था ओके okay? टेंशन मत मतलब लीजिए फुल्ली एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं आपको सारे क्वेश्चन फिर दिन आफ्टर पी भी आप लोगों को मिल जाएगा इंडमेंट इंड का मतलब क्या होता है इंडियन का मतलब होता है एग्रीमेंट कैपिटल ऑफ श्रीलंका क्या है कोलंबो श्रीलंका कैपिटल क्या बेटा कोलंबो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी से आपसे अगर हम बात करें ठीक है तो कौन सी चीज़ इसका हिस्सा नहीं है तो इसका सही उत्तर आएगा रूल ऑफ मेजोरिटी डेमोक्रेसी में कभी भी वह उनकी सरकार नहीं बनती जिनकी तादाद ज़्यादा है सरकार हमेशा उनकी बनती जिनको लोगों ने चुना है ठीक है इन विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया नाइन्टी परसेंट ऑफ द रूरल पीपल यूज़ द राशन शॉप नब्बे परसेंट लोग कहाँ पर राशन शॉप का उपयोग करते हैं तो वो है तमिलनाडु इन द ब्लैंक्स रॉ मटेरियल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है तो होता है बॉक्साइट अगर आपने सेट बी का देखा होगा तो सेट बी में भी ये क्वेश्चन रिपीट था गॉड सेव अवर नोबल किंग ये कहाँ का राष्ट्रगान है कहाँ का नेशनल इंथम है ब्रिटेन का नेशनल इंथम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज आर प्राथमिक क्रिया है द्वितीय क्रिया तृतीय क्रिया किसके अंदर आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक गतिविधियां हैं पैसों से रिलेटेड सोशल डिविजन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन भारत के अंदर सामाजिक स्तर को कैसे बांटा गया है कास्ट सिस्टम से ओके हरियाणा इज कम्पेयर टू द बेल्जियम ऑन जियोग्राफिकल बेसिस हमारे पार्ट के अंदर भौगोलिक आधार पर हरियाणा को कंपेयर किया गया किससे बेल्जियम से डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार या लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला देश चलिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल या फिर क्लॉथ इंडस्ट्री ओके बेंगलुरु में क्या अवेलेबल है सॉफ्टवेयर पार्क राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी लंडन में हुई थी इसको गोलमेज भी बोला जाता है ओके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहाँ यू एन डी पी हाँ सोशल की भी क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल जाएगी कमर्शियल स्ट्रीट लिस्ट के अंदर आते हैं नेचुरल फॉल कहाँ पर है मुंबई में सही के सामने सही उत्तर ऑलरेडी लिख रखे मैंने आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें राइट आंसर इन वन वर्ड इंडिया फर्स्ट ट्रेन रेन फ्रॉम मुंबई टू थाने देखो खाली ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी तो कहाँ से कहाँ तक चली थी मुंबई से थाने तक हाउ मच डिस्टेंस वॉज कवर्ड इन इट थर्टी फोर किलोमीटर देखिए बेटा इसमें से कितना आएगा इसके लिए आप लोगों को चार सेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करें उसमें से आप समझ लो कि चारों सेट और मॉडल पेपर से मिला के सेवेंटी फाइव में सिक्सटी प्लस आएगा साठ प्लस मार्क्स का इन्हीं में से बैठेगा आप लोगों को ओके अभी हिंदी में तो सेवेंटी प्लस बैठा है सेवेंटी फाइव में से सिर्फ तीन से चार ऑब्जेक्टिव बाहर से आया बाकी सारा उसी से आया था होम डिड महात्मा गांधी डिक्लेयर इज इज सक्सेसर महात्मा गांधी ने अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर आध्यात्मिक सक्सेसर किसे बताया था तो आचार्य विनोबा भावे नेम द नेशनल शेल्टर लोकेटेड एट द माउथ ऑफ लेगुन माउथ ऑफ लेगुन पर कौन सा नेचुरल शेल्टर लोकेटेड है कोची ओके चलिए आगे अब बात आती पासवर्ड से रिलेटेड तो चलिए मैं आपको पासवर्ड के शुरू के दो लेटर्स बता रहा हूं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट टू लेटर जो है हमारे पासवर्ड के वो है डब्ल्यू ए टी वॉट ठीक है फर्स्ट थ्री लेटर्स फर्स्ट लेटर क्या है डब्ल्यू ए टी पासवर्ड आप लोग साथ साथ में लिखते रहे हु सेट डेट द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स केन नॉट भी सेपरेट किसने कहा था कि भैया जाति धर्म और पॉलिटिक्स राजनीति कभी अलग अलग नहीं होते तो यह बयान था महात्मा गांधी जी का वॉट इज डिमोनिटाइजेशन डिमोनिटाइजेशन मतलब जिन बच्चों को नहीं पता इसका मतलब होता है नोटबंदी तो नोटबंदी की अगर हम बात करें बेटा तो नोटबंदी एक वह एक्ट है जिसके अंदर स्ट्रिपिंग अ करेंसी ऑफ इट्स स्टेटस लीगल टेंडर कहने का मतलब एक करेंसी एक रुपया जिसकी लीगल टेंडर होती है मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू होती है उसको पूरी तरह से क्या करना खारिज करना उसको वापस लेना हमारे देश में नोटबंदी कब हुई थी 2016 में किसने करी थी नरेंद्र मोदी ने हुट द मार्च फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसफर्सल न्यू कैसल से लेकर ट्रांसफर्सल तक किसने मार्च निकाली थी तो वो थे महात्मा गांधी चलिए ट्रू फॉल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन ठीक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मुकाबले जंगल को बचाने के हिसाब से या मैनेजमेंट के हिसाब से फॉरेस्ट को कितने भाग में बांटा है फॉरेस्ट को तीन भाग में बांटा है रिजर्व प्रोटेक्टिव अन अमेरिका मॉज द कॉन्टिनेंट डिपेंड मोर ऑन लैंड इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देट विजेस ये बता रहे भैया अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि भूमि के ऊपर या जानवरों के ऊपर टिका हुआ है मजदूर के ऊपर नहीं गलत फॉल्स द वुमेन ऑफ इंग्लैंड लव द स्पीनिंग जेनी अरे ये तो पूरा ही उल्टा बोल दिए जो इंग्लैंड की वुमेन थी ना उनने तो बिचारी इस मशीन के ऊपर अटैक कर दिया था तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स कंट्रीज विथ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हैव द हाइस्ट ग्रोथ रेट ऐसे देश जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है क्या वहाँ का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है तो इसका उत्तर आएगा फॉल्स राइट टू वर्क एंड मनरेगा आर डिफरेंट भैया काम करने का अधिकार और एम जी नरेगा सेम बात है बिल्कुल जी हाँ सही बात है अलग अलग नहीं है तो ये क्या हो गया फॉल्स एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बेरियर टेक्स ऑन इंपोर्ट जब भी हमारे इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते है? ट्रेड बेरियर बोलते हैं तो ये रहे आपके फॉल्स। चलिए वॉट आर रिसोर्सेज तो पी पासवर्ड के बाकी लेटर से डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच इसके बाद के लेटर से आपको आगे वीडियो आप सुनते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको धीरे धीरे पूरा पासवर्ड बताते जाऊंगा तो फर्स्ट वर्ड क्या है पासवर्ड का वॉच डब्ल्यू एच वॉच क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट आर रिसोर्सेस संसाधन क्या है ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन अवर इन्वॉर्मेंट हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीजें अवेलेबल है ठीक है विच आर यूजफुल जो कि हमारे उपयोगी में है एंड सेटिस्फाई अवर वॉन्ट्स और जो कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है वह संसाधन के लाती है रिसोर्सेस कहलाती है एग्जाम्पल एयर वाटर गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ मेनमेड इंसानों के द्वारा बनाए गए चार चीज़ों के नाम बताने कुछ भी बता सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाउस डैम ब्रिज मशीनरी आर फोर एग्जाम्पल्स ऑफ मेड रिसोर्सेज एरोप्लेन भी लिख सकते हो मेप की क्लास अलग से लगेगी बेटा मेप की क्लास एक से दो दिन बाद लगेगी पहले एक दो दिन में पहले मॉडल पेपर में आपको सारे सैंपल सेट पेपर करवाऊंगा उसके बाद मेप की क्लास लेंगे जल्द बताऊंगा टेंशन मत लो वाई वर द इम्पेरियल रूलर्स फॉर सक्सेसफुल एक्सप्लोर्टिंग इन द रिसोर्सेज ऑफ देयर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जब हमारा देश क्या था गुलाम था तो उस वक्त किस प्रकार से इंपेरियल रूलर्स का मतलब जिसने हम पे कब्जा करा था वो किस प्रकार से हमारे देश के जो खदानों थी या फिर जो रिसोर्सेज थे जो साधन थे उसको ले जाने में सफल हुए तो सबसे मेन कारण जो भी कॉलोनीज कंट्रीज थी ठीक है उनसे एक्सप्लॉइट मतलब क्या भैया लेकर जाना या चुराना बड़ा आसान क्यों था क्यों क्योंकि भारत के पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन अंग्रेज जो थे उनके पास क्या थी टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी के दम पर वो हमारे देश से क्या करके ले गए चीज़ें लेकर चल गए वेरी गुड चलिए वॉट आर रिनेवेबल एंड नॉन रिनेवेबल रिसोर्सेस रिनेवेबल और नॉन रिनेबल रिसोर्सेस क्या होता है देखिए ये जो मैंने आंसर लिखे आपको लग रहा है छोटे नहीं छोटे नहीं दो दो नंबर के हिसाब से सफिशियंट है अगर आप इतना लिखोगे दो नंबर पूरे मिलेंगे आपको टोटल चार सेट पेपर पढ़ने हैं चारों सेट पेपर गवर्नमेंट की तरफ से आए सरकारी स्कूल में प्रोवाइड किए गए बेटा इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करे आप लोगों के लिए रिनेवेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्स डेट कैन बी जनरेटेड रिनेवेबल रिसोर्स वह रिसोर्सेज होते हैं जो कि जनरेट हो सकते हैं बन सकते हैं नेवर रन आउट कभी खत्म नहीं होते जैसे कि भैया सोलर एनर्जी मतलब धूप कभी खत्म हो सकती है विंड एनर्जी हवा कभी खत्म हो सकती है वाटर एनर्जी ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज है अगला है नॉन रिनेबेबल रिसोर्सेज नॉन रिनेबल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जिसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स ठीक है दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस अगेन इसको बार बार बनाया नहीं जा सकता ये कभी भी खत्म हो सकते जैसे कि धातु फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम डीजल सारी चीज़ें मैप का वीडियो कल शाम तक या परसों तक आप लोगों को मिलेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा नब्बे परसेंट के लिए आप ज़्यादा कुछ मत करो चार सेट पेपर एक मॉडल पेपर प्लस प्रश्न बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव कर लो सफिशियंट आपको इजीली बनेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रेक्शन एंड इंट्रीग्रेशन सिंपल सी भाषा में पूरे विश्व को एक गांव में परिवर्तित करने को हम ग्लोबलाइजेशन या विश्वीकरण कहते हैं मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने को क्या करना आसान करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है वॉट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट सिल्क रूट क्यों भैया महत्वपूर्ण था सिल्क रूट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे हम सिर्फ सामान एक्सपोर्ट नहीं करते खाली सिल्क मसाले प्रीशियस मेटल मिनरल हैंडीक्राफ्ट आर्किटेक्चर पेंटिंग इनके साथ साथ हमारे देश का कल्चर भी एक्सचेंज होता था हमारे देश का आर्ट डांस म्यूजिक ये सारी चीज़ों का भी क्या होता था बेटा एक्सचेंज होता था क्वेश्चन नंबर नाइन इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रिया आई थी उस वक्त जितने भी मर्चेंट जितने भी व्यापारी थे सब मशीनों से दूर भागते थे क्यों भागते थे भैया उसके दो से तीन कारण थे सबसे पहला कारण देखो मशीन्स वर कॉस्टली जितनी मशीन थी सबके सब कैसी आती, आती थी बेटा कॉस्टली आती थी इनइफेक्टिव क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा मशीने करंट था नहीं डिफिकल्ट टू रिपेयर खराब हो जाए तो भैया बहुत पैसा लगता था सोई करवाने में और मजदूर भी नहीं मिलते थे नीडेड यूज कैपिटल बहुत ज़्यादा पैसा लगता था इन्वेस्टमेंट का लेकिन उसी वक्त काम करने वालों की भारत में कमी नहीं थी तो लेबर वॉज अवेलेबल एट लो वेजेस सस्ती कीमत पे हमें क्या मिलते थे मजदूर मिल जाते थे इसके लिए व्यापारी मशीन को नहीं लेते हुए मजदूर को काम पर रखना पसंद करते थे डिड वुमन अपोज द स्पिनिंग जेनी स्पिनिंग जेनी महिलाओं जो थी उन्होंने स्पिनिंग जेनी का अपोज क्यों करा उसके खिलाफ क्यों थी तो देखो सिंपल सी बात इतना है बेटा ये अभी ऊपर ऑब्जेक्टिव में था स्पिनिंग जेनी एक मशीन है ठीक है ये कपड़ा बनाने में उपयोग में आती है वुमन वर्कर जितनी भी थी उन सब ने जाके इस मशीन के ऊपर ब्रिटेन में क्या करा अटैक कर दिया उसका कारण क्या था कि स्पिनिंग जेनी जो है वो इंसान का, का काम कर रही थी अब इससे क्या हुआ जॉब जा रही थी वुमन्स की तो जो वुमेन्स थे उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार होने का डर था साथ ही साथ स्पिनिंग जेनी के आने से लेबर कम हो गई मतलब मजदूर की आवश्यकता क्या पड़ने लगी कम पड़ने लगी तो वोमन को खतरा लग रहा था कि अब हमारी नौकरी चल जाएगी इसके लिए उन्होंने क्या करते है? उसके ऊपर अटैक करा वो स्पिनिंग जेनी को अपना दुश्मन मानते थे नेम वन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ठीक है तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है शुगर जूट कॉटन टेक्सटाइल किसी भी एक का नाम लिख सकते हो मैंने तीन चार लिखी आपकी सहूलियत के लिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करोगे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जो कि किसी मिनरल बेस्ड धातु पर आधारित ओके चलिए राइट द नेम्स ऑफ थ्री मेजर न्यूट्रींस फर्टिलाइजर्स ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के तीन मेजर न्यूट्रींस बताने कोई भी फर्टिलाइजर आप खरीद के लाते हो उसके अंदर ये तीन न्यूट्रिशन हमेशा मिलते हैं एक होता है नाइट्रोजन एक होता है फॉस्फोरस और एक होता है पोटेशियम पोटेशियम को एक और भाषा में एनपी बोला जाता है ये तीन मेन न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपको किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर में देखने को मिल जाएंगे ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ड्यू थिंक डेट देयर इज यूटिलिटी इन डिवाइडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको लगता है कि जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये कुछ काम का है तो जी हां बिल्कुल सही बात है यस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इज यूजफुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है तभी तो हमें जीडीपी कैलकुलेट करने में क्या होगी आसानी होगी पता लग पाएगा कि भैया बैंकिंग सेक्टर ने आज कितना पेमेंट अर्न करा है या फिर प्रोडक्शन करने से कितना बन रहा है कौन सा सेक्टर ज़्यादा डेवलप हो रहा है और किस में हमें काम करने की आवश्यकता है नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्सरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भैया भारत के तरक्की में जो टर्शरी सेक्टर है जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं ये सेक्टर ज़्यादा बड़ा रोल अदा नहीं करता है पी मोहित आपको नीचे नंबर स्क्रोल डाउन हो रहा है इस पर आप अपना नेम और क्लास लिखकर व्हाट्सअप कर, कर दीजिए आपको पी मिल जाएगा या फिर अगर आप ऑलरेडी एजेंसी के ग्रुप में एड है तो आपको वहाँ ग्रुप पर मिल जाएगी ओके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एड कर लूँगा तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है बेटा टर्शरी सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग ट्रांसपोर्ट ये सब तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टर्शरी सेक्टर है ये बहुत वास्ट डेवलप कर रहा है आज हमारे देश की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रशरी सेक्टर से ही आता है 1973 में इससे 40 परसेंट आता था और आज 2003 के बाद 50 परसेंट से ज्यादा इससे ग्रोथ आने लग गई है क्लियर तो ट्रशरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टरों में से एक बन गया है और सबसे ज्यादा जॉब भी प्रोड्यूस कर रहा है पी आपको इसका बेटा क्लास के बाद मिलेगा नीचे जो नंबर है उस पर आप अपना नेम और सिटी भेज दें और अगर ऑलरेडी आप भेज चुके तो आपको ग्रुप में मिल जाएगी पीडीएफ तो मैंने आपको पासवर्ड का फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड बताया था वॉच सेकंड वर्ड अब मैं आपको पासवर्ड का बता रहा हूं लिखते रहिएगा अपने साथ नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी पीडीएफ खोलने में डब्ल्यू ओ यू आर सेकेंड वर्ड क्या है योर क्या है योर लिख लीजिए इतना पासवर्ड वॉच योर एक वर्ड और बचा है वो भी मैं आपको जल्द बता दूंगा राइट टू डिफरेंस बिटवीन फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरन ट्रेड के बीच में आपको अंतर बताना है इसमें कोई दो ही पॉइंट करना आपको है आपको मैंने यहाँ पर चार लिखे जो पसंद आ जाए वैसे तो पता है जो छोटे वही करोगे पर ठीक है ये गवर्नमेंट के पीडीएफ के ही आंसर है अब देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है किसी असेट को खरीदने के लिए जैसे मशीनरी बिल्डिंग लैंड इनको खरीदने के लिए पैसा खर्च करना ट्रेड का मतलब क्या होता है पिता है व्यापार करने के लिए इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्लियर हुआ एम एन सी सेटअप ज्वाइंटली विथ सम लोकल कंपनीज जितनी भी विदेशी कंपनियाँ होती है मल्टीनेशनल कंपनीज होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती है ये क्या करती है बाकी लोकल कंपनी के साथ क्या करती है टाई अप करती है इससे क्या फायदा मिलता है फॉरेन ट्रेड जब विदेशी हम व्यापार करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है कि भैया आज हम कस्टमर है तो हमारे पास क्या हो गया चॉइस हो गया हमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप कोकोकला ले सकते हो स्प्राइट ले सकते हो आप पेप्सी ले सकते हो आप स्टिंग ले सकते हो आप रेडबुल ले सकते हो आपके पास क्या अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं इससे लोकल कंपनीज को फायदा होता है फॉरन ट्रेड से दो देशों के बीच में सुधार आता है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ ऐसा नहीं कह सकते पूरा इन चार सेट से आएगा ऑब्जेक्टिव को छोड़ के जो क्वेश्चन आंसर से वो आप समझो कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे इन्हीं में से आएंगे ओके okay? हाँ आप जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर नेम और सिटी भेज दीजिए आपको क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के दो डिसएडवांटेज क्या है तो देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये कि जब हम लोग विदेशों से सामान मंगवाते हैं ठीक है ठीके? तो उससे आउटसोर्सिंग हो जाती है आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में बैठा व्यक्ति अगर उसको ऊबर कंपनी का एग्जाम्पल हैं ऊबर सबको पता है कंपनी है अब ऊबर कंपनी को कॉल सेंटर चाहिए अब अमेरिका में किसी ने उबर मंगवाई और उसको कुछ समस्या आ रही तो वो कॉल सेंटर पे फ़ोन करेगा तो वो कॉल सेंटर कहाँ लगेगा इंडिया में लगेगा क्योंकि इंडिया कॉल सेंटर के लिए क्या करता है आउटसोर्स करता है तो कहने का मतलब ये कि विदेशों से हमें क्या आउटसोर्सिंग क्या हो जाती है सस्ती हो जाती है चीप हो जाती है ओके तो इससे सैलरी क्या मिलती कम मिलती है और इससे सिर्फ अमीर लोगों को ही फायदा होता है गरीबों के मुकाबले वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट के क्या फ़ायदे तो देखो रेल ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इससे कई सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो जाती है आप सबने सुना होगा बचपन में मालगाड़ी मालगाड़ी का काम क्या होता था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम एक जगह से दूसरी जगह पर माल भेज सकते हैं जो कि हमें सस्ता पड़ता है रेल ट्रांसपोर्ट क्या है चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट में से है इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस और जब हमें लंबे यात्रा पर जाना है और पैसा कम खर्च करना है तो हम ट्रेन में जा सकते हैं कम पैसे में ज़्यादा लंबा हम जा सकते हैं ओके चलिए सॉरी फॉर इट व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब कोई देश किसी दूसरे देश से व्यापार करता है जब किसी दो देशों के बीच में या उससे अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है किसके माध्यम से जमीन से लैंड से एयर मतलब एरोप्लेन के माध्यम से सी मतलब सी रूट के माध्यम से जब भी इन तीन प्रकार से हम व्यापार करते हैं उसे हम इंटरनेशनल व्यापार कहते हैं जब हम किसी एक से अधिक देशों से व्यापार करते हैं उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं वाई डज द इंडियन फार्मर नॉट वॉन्ट his सन टू बिकम अ फार्मर भारत के किसान क्यों नहीं चाहते कि उनका बेटा भी किसान बने ये बिल्कुल सही बात है आज भी किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने वो चाहता कि है कि भैया नौकरी करे क्यों क्योंकि देखो भैया इंडियन फार्मर कभी भी अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते उसका सबसे पहला कारण ये है कि जो जी है मतलब खेती से जो कमाई होने वाली वो क्या हो रही है उन्नीस से डिक्लाइन हो रही है कम होती जा रही है तो किसानों को अपना भविष्य अंधकार में देखने को मिलता है अभी आपने कल परसों में न्यूज़ पढ़ी होगी कि महाराष्ट्र में प्याज दो रुपये किलो बिका ठीक है इसके कारण स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप रबी और खरीफ क्रॉप में क्या अंतर है वैसे तो रबी क्रोफ की डेफिनेशन बड़ी होती है लेकिन दो नंबर का क्वेश्चन इसके लिए मैंने छोटी छोटी लिखी है रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर विंटर सीजन में बोते हैं अक्टूबर से दिसंबर में एंड हार्वेस्टेड इन समर समर में इसको काट देते हैं ठीक है जिसकी एग्जाम्पल के लिए व्हीट बार्ले पीस ग्राम मस्टर्ड खरीफ क्रॉप वह क्रॉप होती है जिसको हम मानसून के आने पर बोते हैं ठीक है ये देश के अलग अलग हिस्सों में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे क्या कर लेते हैं काट लेते हैं ठीक वॉट इज पवन हिल्स पवनंस सॉरी 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 वॉट इज पवन पवनंस क्या है ठीक है राइट इट्स फंक्शन और इसके फंक्शन बताइए ओके बता देते तो देखो पवन एक हेलीकॉप्टर सर्विसेज है जो कि ओ एन जी सी ओ एनजीसी क्या बेटा ये एक सरकारी कंपनी क्या है सरकारी कंपनी इसका फुल फॉर्म क्या है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये क्या करती है बेटा मदद करती है ठीक है क्लियर वाइजीज ऑप्शन तक पूछने में साइट्स तक पूछने में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में ये सब क्या करती है हेल्पफुल करती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में डिफरेंस कोई कंपल्शन नहीं कि आप टेबुलर फॉर्मेट में करो क्योंकि दो नंबर का इसके लिए आप डायरेक्ट डेफिनेशन करके भी कर सकते हो ओके राइट द नेम्स ऑफ टू नेशनल वाटर हाईवे दो वाटर हाईवे के नाम लिखने कोई से भी लिख दो चलेगा ठीक है मैंने आपको यहाँ पर दो लिखे नेशनल वाटर वे फर्स्ट नेशनल वाटर वे सेकेंड आपको इसी जगह थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी याद हुआ वो आप लिख सकते हो नेशनल वाटर वे फर्स्ट जो है गंगा रिवर पे आता है हल्दी आलाबाद सोलह सौ बीस किलोमीटर का है नेशनल वाटरवे टू ब्रह्मपुत्र रिवर पर आता है डुबरिया साडिया एट नाइन्टी वन किलोमीटर ओके एक्सप्लेन हाउ ओरल कल्चर इंटर्ड प्रिंट कल्चर भैया जो ओरल कल्चर था वो प्रिंट कल्चर में कैसे घुस गया तो देखते ये समझते हैं हम हाउ एवर द लिटरेसी रेट्स ऑफ द टाइम वर लो देखो जब उस समय हम पुरानी बात कर रहे हैं उस वक्त क्या था बेटा हमारे देश की लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या थी क्या थी बहुत लो थी कम थी ओनली अ फ्यू पीपल सिर्फ कुछ ही लोग थे जो कि क्या कर सकते थे भैया पढ़ सकते थे इसके लिए जो प्रिंटेड मटेरियल था उसको ज़्यादा लोग खरीदते नहीं थे क्यों नहीं खरीदते थे क्योंकि भैया खरीदे कैसे पढ़ना भी तो आना चाहिए इसी कारण क्या हुआ लोग गैदरिंग करने लगे गैदरिंग मतलब क्या बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे और एक व्यक्ति उनके पढ़कर बुक को बताया करता था जिसको बोलते ट्रांसमिटेड ओरली प्रिंट कल्चर क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो प्रिंट कल्चर आया उसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ या उसके लिए मदद करी उसने तो ये बिल्कुल सही बात है मैप का वीडियो बेटा परसों या कल तक आप लोगों को मिल जाएगा प्रॉपर जितने भी इंपॉर्टेंट मेपवर्क है सारे आपको उसमें मिल जाएंगे ओके okay? जल्दी मेपवर्क भी मिल जाएगा सेट डी और सेट सी कल तक आपको दोनों के सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज क्रिएटेड बाय प्रिंट कल्चर अब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ना वो प्रिंट कल्चर के कारण ही ज़्यादा डेवलप हुआ क्यों क्योंकि देखो प्रिंटिंग ऑफ द आइडियाज़ ऑफ़ इनलाइटमेंट थिंकर्स लाइक वोल्टर रोस्यू वोल्टर रोस्यू क्या है राइटर से बेटा ये लोगों ने जब लिखते थे तो कई सारे लोग इसको क्या करते थे पढ़ते थे अब पढ़ने के बाद लोगों के अंदर क्या आने लगा देशभक्ति जावाना भागने लगी और जैसे ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागी वो लोग किस पर आ गए रोड पर आ गए ओके क्लास खत्म होने के आधे से एक घंटे बाद आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी क्योंकि इसके अंदर एक दो क्वेश्चन और अपडेट करना भी थोड़े से बाकी है पर हाँ आज के दिन में ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वॉट वॉज द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी रिगार्डिंग प्रिंटिंग महात्मा गांधी के क्या थॉट्स थे प्रिंटिंग के रिगार्डिंग तो देखिए महात्मा गांधी का कहना था सॉरी ये हिंसा हो गया है हिंसा आएगा हिंसा नहीं गांधी जी का कहना था भैया प्रिंटिंग से कभी भी वॉयलेंस नहीं होना चाहिए मतलब लड़े झगड़े नहीं होना चाहिए आप कोई भी ऐसी बात में देखो जिससे लोग उत्तेजित हो जाए लड़े झगड़े करें ठीक है उनका कहना सिंपल सी प्रिंटिंग एक ड्यूरेबल पेपर है जो कि सिंपल जैकेट की तरह एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो ये कहते थे कि भैया ये जो जैकेट है ये अट्रैक्टिव और कॉस्टली नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये महंगा रहेगा अगर कॉपी या किताबें महंगी रहेगी तो गरीब देश में क्योंकि उस वक्त भारत गरीब देश था तो उसके लिए खरीदना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा ओके बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको अध्ययन में ऑलरेडी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन पुअर पीपल इन नाइनटीन सेंचुरी भारत के गरीब लोगों पर प्रिंट कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ा तो ये देखो इसका बहुत फायदा हुआ भारत के लोगों को फायदा क्या हुआ भारत में जब प्रिंट कल्चर फैला तो इससे ये फायदा हुआ कि जो हमारे देश में किताबें थी वो हमें कैसे मिलने लगी लो प्राइस में कम कीमत में मिलने लगी पब्लिकली लाइब्रेरियाँ बनने लगी जिसमें कम पैसे में हमें क्या मिलने लगा ज़्यादा फायदा मिलने लगा क्लियर ये चीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन के ऊपर वेट मिनट पासवर्ड फिर मैं आपको पीडीएफ का बता रहा हूं वॉच योर थर्ड लेटर ठीक है तो थर्ड लेटर जो है पासवर्ड का वो है वॉच योर एनिमी वॉच योर एनिमी ये है पासवर्ड पूरा पीडीएफ का पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओके okay? पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपको नीचे नंबर स्क्रॉल डाउन हो रहा है जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को फोर्टी प्लस बच्चे स्ट्रीमिंग पे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप अपना नेम नंबर सिटी मुझे व्हाट्सअप करें आपको पी मिल जाएगा साथ ही ये पासवर्ड है वॉच योर एनिमी इसके अलावा जितने भी बच्चे ऑलरेडी चैनल पे या ग्रुप पर रेड है उनको ऑलरेडी फटाफट वीडियो मिल जाएगा क्लास खत्म होने के एक घंटे बाद पीडीएफ मिलेगा ओके क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन इसमें रह गए हैं अभी दो से तीन क्वेश्चन और अभी मेरे पास है बस समझाने के लिए ज़्यादा नहीं पाँच मिनट की और क्लास है तो पाँच मिनट सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पासवर्ड बता दिया है तो भी पूरी क्लास अटेंड करें वॉट इज इको सिस्टम एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ इको सिस्टम इको सिस्टम क्या है और इसके क्या फायदे हैं ओके okay? तो एन इको सिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया आर सी एस गेमिंग आपका आंसर दूंगा। मैं दूंगा पहले मैं पीडीएफ खत्म कर दू बेटा फिर मैं डेफिनेटली आपको आंसर बताऊंगा व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रोल डाउन हो रहा है वॉट इज इको सिस्टम इको सिस्टम एक वह जियोग्राफिक एरिया जिसके अंदर पौधे जानवर और अदर ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित हैं ठीक है वो सब आती है इसके अंदर बायोटिक चीजें आती है साथ साथ अबायोटिक भी आती है अब इसके फायदे क्या है तो इसके फायदे ये है कि भैया इसके अंदर वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स इनके सा कारण फूड चेन और फूड वेब क्या होता है कंटिन्यूशन में हो पाता है पी इसके सॉल्यूशन की इसके साथ साथ क्या होता है इकोलॉजिकल प्रोसेस होती है अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो रिसाइकल होना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा चीज़ों का ओके राइट एंड थ्री मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे किया जाता है भैया उसके तीन तरीके हमें बताने तो आइए समझते हैं फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मेजर स्टेप्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन की एक मेजर स्टेप्स है सबसे पहला मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ट्री शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू तो जियोग्राफिकल कंडीशन पेड़ इस प्रकार से लगाओ जैसा एरिया उसके हिसाब से आप क्या लगाओ पेड़ लगाओ प्रिवेंशन ऑफ exploitation ऑफ फॉरेस्ट्री जंगल का एक्सप्लॉयटेशन जंगल से चीज़ें काट के ना ले जाओ उनको रहने दो ये जंगल को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है थर्ड द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट शुड भी प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट पहले से उनको क्या करना है बचाना है केमिकल्स से उनके ऊपर कम से कम सो बीमारी कम से कम फैलेगी एंटीबायोटिक चीजें उनके ऊपर डालो ताकि क्या नहीं हो पेड़ पौधे खराब ना हो क्लियर हुआ ये चीज़ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो भी बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं लाइक करना बिल्कुल ना भूलें व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा नीचे स्क्रॉल हो रहा है बेटा वहाँ पर आप देख सकते हो हाँ लाइव क्लास डेली होती है पेपर तक रेगुलर लगेगी हर सब्जेक्ट की लगेगी और इंडिया इज अ कंट्री विद द फेडरल सिस्टम इंडिया एक देश है जहाँ फेडरल सिस्टम चलता है इसके तीन बात बतानी इससे प्रूव हो जाए देखो फेडरल सिस्टम वह सिस्टम होता है जहाँ पर तीन टायर या दो टायर सरकार होती है हमारे यहाँ पर दो टायर गवर्नमेंट है ओके okay? देखिए जो पी है इसका पासवर्ड है वॉच योर enemy. आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी नीचे जो नंबर है ध्रुव क्या पूछना चाह रहे हो आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात क्वेश्चन लिखो आप अपना नीचे जो नंबर हो रहा है इस पर आप अपना नेम और सिटी भेजिए आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन की और सेट बी की भी मिल जाएगी ओके मैक्सिमम पेपर बेटा इन्हीं से आएगा ओके okay. तो भारत को ऐसे कौन सी चीज़ें जो कि बताती है फेडरल है तो देखो भारत के अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या एक बहुत बड़ा देश है बहुत वास्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर इलेक्शन क्या होते हैं सेपरेट होते हैं अलग अलग होते हैं जिसकी अभी इस साल विधायक मतलब विधानसभा के होंगे अगले साल लोकसभा के होंगे पावर शार शेयर यहाँ पर ताकत जो है बटी हुई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी मान्यता है जुरिडिक्शन न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की अब नेशन इज रूल्ड बाय टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में सर दो प्रकार की सरकारें चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है बेटा दोनों एक ही लोगों के ऊपर क्या करती है राज्य करती है हु इज गुटनबर्ग बेटा इसका आंसर ऑलरेडी मैंने दे रखा है मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में अगर आपके पास मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ना हो तो आप नीचे वाले नंबर पर अपना नेम सिटी भेज देना मैं आपको भेज दूंगा ओके okay? इसका आपको आंसर मिल जाएगा अब नेशन इज रूल्ड बाय टू फॉर्म सॉरी एस बिंग अ फेडरल नेशन हमारे देश फेडरल नेशन है इसके लिए किसी भी सरकार को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं कि किसी दूसरे के इशू में क्या करें इंटरफेयर करें परीक्षा बोर्ड से भी पढ़ो बेटा पर पहले सारे सेट पेपर याद करो एक्सप्लेन थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम जो हमारे देश का थर्ड टायर है हमारे देश में तीन प्रकार की सरकारें होती है पहला है बेटा सेंट्रल दूसरा है स्टेट और तीसरा है थर्ड टायर या फिर जिसको बोला जाता है पंचायती राज ओके okay, तो इस थर्ड टायर सिस्टम को हमें बताना है तो वेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पावर, पावर किसको दे दी बेटा लोकल गवर्नमेंट को जिसको हम क्या बोलते हैं पंचायती राज बोलते हैं इससे क्या होते हैं छोटे मोटे इश्यूज जल्दी सॉल्व होते हैं पंचायती राज के अंदर टोटल थे लेवल थर्टी थ्री लेवल्स आते हैं ठीक है मंडल परिषद पंचायती समिति ब्लॉक ग्राम पंचायत यह सारी चीज के अंदर आती है इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी तो क्या वो आपकी गली में अगर पानी भरा रहा तो उसको पता लगेगा क्या नहीं पता लगेगा तो उसके लिए उन्होंने क्या करा स्टेट्स बांट दिए राज्य बांट दिए अब राज्य बांटे तो राज्य में भैया राज्य के मुख्यमंत्री कौन है शिवराज सिंह चौहान तो क्या शिवराज सिंह चौहान को पता रहेगा आपकी गली में क्या समस्या है नहीं इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने ताकत कोर बांटा किसमें विधायक में लेकिन विधायक भी एक बहुत बड़े क्षेत्र का होता है तो विधायक ने अपनी ताकत को बांट दिया पार्षद में अब पार्षद के बाद एक या दो गली होती है इसके लिए पार्षद को पता होता है कि उसकी गली में क्या कार्य कराना है ओके अब देखिए बेटा 20 के बाद वाले क्वेश्चन अभी मैंने पीडीएफ में लिखे नहीं है मुझे आधे से एक घंटे का टाइम पीरियड और लगेगा मैं सबके आंसर्स लिखकर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा वॉच योर एनिमी ये पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा स्पेस नहीं देना है सारे लेटर स्मॉल रहेंगे जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और जो फर्स्ट टाइम आए नीचे नंबर स्क्रोल ड्राउन और यहाँ पर अपनी नेम और सिटी टी व्हाट्सअप करें बाकी बच्चों को ग्रुप पर मिल जाएगी हाँ एक क्वेश्चन पूछा था आर गेमिंग ने ओके तो भैया इनका भी आंसर अपन बता देते हैं नहीं तो भैया बुरा मान जाएंगे बोले काफ़ी देर से पूछ रहा हूँ सर मैं तो कोई बात नहीं बेटा आपका भी मैं बताता हूँ एक बार आप आपका क्वेश्चन वापस लिख देना थोड़ा सा मेरे इसमें मैसेज डीले आ रहे हैं इसलिए एक बार अपना क्वेश्चन बेटा वापस लिख देना क्वेश्चन क्या है आपका और ये क्वेश्चन जो आपका है बेटा ये आपने कहाँ से लिया ये दोनों चीजें मुझे बताना क्योंकि कई बार क्या होता है आपने ट्रांसलेट भी गलत करा हो सकता है ओके okay, आपका क्वेश्चन मुझे दिख गया है व्हाट डू यू मीन बाय वेलम देखो वेलम एक बेटा फैंसी पेपर होता है ठीक है वेलम जो होता है वो क्या होता है एक फैंसी पेपर होता है ये एक प्रकार से एनिमल की स्किन जो जानवरों की स्किन होती ना इससे बनाए जाने वाले पेपर को हम वेलम कहते हैं ओके क्लियर हुआ एशीच? कोई डाउट होगी इसमें और आज के जमाने में जो वेलम है अभी रिसेंट जमाने में पहले किससे बनाया जाता था एनिमल स्किन से अभी जो वेलम है वो किससे बनाया जाता है कॉटन से ओके आई थिंक सभी के आंसर मिल गए पासवर्ड वॉच योर एनिमी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट टू ऑल